तब भी साड़ी नहीं अच्छी लगी। बिल्कुल दुबले पतले, बिल्कुल फ्लैट सीधे, बिल्कुल आपकी मतलब कोई फिगर नहीं है या आपकी बॉडी के कर्व्स नहीं है तो आपके ऊपर साड़ी अच्छी ही नहीं लगती। ठीक है, तो उसके लिए भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वजन तो हम कम कर लेते हैं लेकिन बॉडी को शेप में रखना बहुत जरूरी है। बड़ी पते की बात है। और ये बच्चियों को संभाव ये सामने जो साड़ी बैठी हुई है ये अक्सर साड़ी पहनते हुए सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स यही होता है। हम सूखे डंडे की तरह नजर आ रहे हैं, सूट ही नहीं कर रहे। और पता होता क्या फरा कि बहुत सारी पेशेंट बच्चियां आ रही होती हैं, वेट तो कम कर लेती हैं कि इतनी चीजें बताई जा रही हैं उनका वेट कम हो जाता है, लेकिन फिर बहुत परेशान होती है कि ये मसला है, हम अपनी बॉडी को शेप में कैसे लेके। तो उसके लिए बहुत सारी खाने की गजाएं होती हैं, बहुत कुछ होता है। इत्तफाक से मेरे पास इस वक्त नहीं है लेकिन एक ऐसी हर्ब है जो कि बॉडी कर्व्स के लिए ही होती है। अच्छा, अगर उसको इस्तेमाल करते हैं जैसे बच्चियां जितनी भी हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं तो एक महीने के अंदर ही बॉडी शेप में आना शुरू हो जाती है। अच्छा, और खाना होता है लगाना होता है। वो हर्ब जो है दवा नहीं है। अच्छा, वो एक फूड सप्लीमेंट है। अच्छा, उसको जो है कोड़ा जड़ कहते हैं। और दुनिया में बहुत फेमस है, ये पहाड़ों पे पैदा होती है। पाकिस्तान में थोड़ी कम मिलती है लेकिन मिल जाती है और ऑनलाइन भी मिल जाती है। अच्छा, इसी नाम से मिलती है कोड़ा जड़। कोड़ा जड़ जी। So, जिन लोगों ने अपनी बॉडी शेप जो है उसको एनहांस करना है। अच्छा, तो कोड़ा जड़ ले। बिल्कुल। अच्छा, इसके ये बहुत सारे फायदे और भी बहुत सारी चीजों में इंशाल्लाह कभी बताएंगे लेकिन मेन जो आज हमारा फोकस है वो साड़ी का है। तो उसके हवाले से बता रही हूँ, जो बच्चे जिनको ऐसी शिकायत है जिनको ऐसा प्रॉब्लम है वो कोड़ा जड़ जो है उसका पाउडर बना ले। साबुत भी मिलता है, उसके पाउडर भी मिलता है, लेकिन उसका पाउडर जो बना के उसको सुबह और शाम एक एक चाय का चम्मच दूध के साथ मिला के उसको पी लें या किसी भी खाने में मिक्स करके वो एक टेबल स्पून दिन भर का डोज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, वन टेबल स्पून इकट्ठा भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी खा सकते हैं। किसी चीज में मिला कैसा होता है? कोई खास टेस्ट नहीं है उसका, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बिटर है, फीका सा जड़ होती है उसका फीका सा टेस्ट तो उसका, लेकिन आप इस्तेमाल करेंगे कड़वी बहुत होती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे सप्लीमेंट है, दवा नहीं है। और जिन्होंने इस्तेमाल किया है बहुत सारी चीजों में फायदेमंद है, सप्लीमेंट है लेकिन इस चीज के लिए इंतहाई इफेक्टिव है। और ये तो नहीं होगा कि बॉडी शेप बनते बनते पता चले मिनिमम वन मंथ। देखिए मैं बता दूं, जैसे मैंने कहा बच्चियों के लिए बॉडी कर्व्स के लिए जो लड़के होते हैं वो मसल्स बिल्डिंग के लिए खाते हैं। अच्छा जी। अच्छा, लड़कियों के लिए यानी स्टीरॉइड्स लेने के बजाय ये हर्ब है और पूरी दुनिया में बड़े कॉमन है। तो नहीं लेने से सप्लीमेंट है और इसको इस्तेमाल करेंगे मिनिमम वन मंथ। वन मंथ उसके बाद कम से कम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और एक महीने के बाद आपको रिजल्ट नजर आना शुरू होगा। बहुत जल्दी नजर आता है। कितने अरसे तक इसे देखिए, इसको ऑन एंड ऑफ इस्तेमाल करना जितना करना चाहे जितना आपको चाहिए। जैसे बच्चे इस्तेमाल करते हैं हमारे पास जो आते हैं लड़के जैसे होते हैं उनको हम कहते हैं जब तक जितनी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है कर लो। इसी तरह से हम बच्चों को कहते हैं। बाकी बीमारियों में या बूढ़ी उम्र बड़ी उम्र में उसमें अलग अलग अंदाज से कहा जाता है। बाज ना खवातीन, जरूरत नहीं बच्चियों के पास, खवातीन को भी प्रॉब्लम होता है, अपनी फिगर से सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं होती। तो फिर क्या बच्चे हैं अगर या फीड करवा रही है? फीड करा रही है, देखिये मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगी कि ये दवा नहीं है, सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट है। ठीक है, इसको कोई छोटा बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है हड्डियों की मजबूती के लिए। कितना छोटा बच्चा? तकरीबन चार से पाँच साल, चार पाँच साल से दोस्त कम। इसलिए इसको हम बच्चों की मजबूती के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, मेमोरी को एनहांस करने के लिए, ग्रोथ के लिए, हर चीज के लिए दे रहे हो, सप्लीमेंट। ठीक है, लेकिन खास तौर पे भी अगर अभी तक साड़ी की बात करें इसलिए मैं सिर्फ साड़ी के ऊपर फोकस। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी चीज एक और है जो दूसरी चीज हमने भूली, वो है अगर चीक बोन थोड़े हाई हो, इसके लिए हम बड़े इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स करवाते हैं और ये और वो, तो उसके वो एक नेचुरली अगर हमें मिल जाता है या जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मिल जाता है तो क्या बात है। ठीक है, तो यानी साड़ी के ऊपर आपके जो चेहरा भी थोड़ा फेस माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और आपके लक्षणों कंटूरिंग बहुत अच्छी है। आप भी किसी से कम नहीं? अरे नहीं नहीं, वाणी मैंने ठीक ही बात मक्खन खत्म हो गया आप लोगों के थोड़ा सा डाल लें तो डाल और ये क्या डाला इसमें? मक्खन मक्खन लगा रहे हैं लोग। अच्छा, आप इसमें लगाई जा रहे हैं? हाँ, देखो हाँ। हमें लिफ्ट हम भी कराई सारी साड़ियों के मारे हम भी कराची से हैं।
अच्छा इसमें जो हम चीक बोन की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे मस्तगी। मस्तगी जो है गोंद होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा गोंद किस चीज की होती है, कीकर की या कहाँ? नहीं नहीं ये एक अलग पेड़ होता है, इसको मस्तगी रूमी कहते हैं। जैसे आप एक पेड़ होता है उसके अंदर से निकलते हैं, इसकी खुशबू देखें कितनी जबरदस्त। अच्छा पेड़ के अंदर से वो निकलता है? बिल्कुल ये निकलता है। अच्छा ये तो आम वाली है, लेकिन जो अच्छी वाली होती है बहुत महंगी होती है, वो मस्तगी रूमी कहलाती है। ठीक है वो बिल्कुल लगते हैं छोटे छोटे येलो कलर के क्रिस्टल्स। अच्छा ठीक है उसको हमें देखिए थोड़ा सा मैं इसको मेल्ट के गोंद बन गई। बिल्कुल सही ये गोंद बन गई। इसमें मैं डालूंगी पचोली ऑयल। पचोली 1 टीस्पून। पचोली ऑयल बहुत महंगा होता है। ये क्या चीज होती है पचोली ऑयल? मैंने तो सुना आज जिंदगी में पहली बार है। पचोली नहीं पचोली एक फूल होता है। अच्छा जैसे हम टाइप कुछ की फ्रेग्रेंस नहीं टी ट्री टाइप? हाँ बहुत तेज होता है पिंचिंग से इसका वो होता है खुशबू होती है। इसकी खास बात है जैसे अभी मैंने इसको ये डाला मस्तगी इसमें मेल्ट हो गया थोड़ा सा दोबारा। लेकिन आपने इसमें पानी वानी कुछ नहीं? कुछ नहीं कुछ ऑयल में क्योंकि जेल की तरह बन जाएगा ये मेल्ट हो जाएगा ये जेल बन जाएगा इसका। ठीक है और इसको जब ये दोनों चीजें मेल्ट हो जाएंगी इसको दोबारा मैं थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। मस्तगी रूमी ये बुक स्टोर पे ना जाके ढूंढना शुरू कर दीजिए। ये बुक है मस्तगी रूमी की खास बात ये है कि अगर आपको नाक पतली करनी है आपको जॉ लाइन बनानी है या मस्तगी और पचोली ये उस बॉडी को उसी शेप में ले आते हैं। लगाते रहेंगे नाक पतली हो जाएगी आपकी ये जॉ लाइन बन जाएगी तो हम इसको इस्तेमाल कर चीक बोन्स भी बिल्कुल चीक बोन्स भी हाई हो जाएंगे बिल्कुल जैसे चिपकाता है ये। अच्छा चिपकाता है तो उसको इसलिए दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन और जो तीसरी चीज डालूंगी वो भी इसीलिए वो है सोने का वर्क। सोने का ये खासा कीमती नुस्खा है। हाँ ये थोड़ा सा महंगा होगा। देखिए अगर आप थोड़ा सा थ्रेड लिफ्ट पे जाते हैं आप कोई और ट्रीटमेंट कराते हैं उसकी कॉस्ट क्या आती है? बहुत कम है। लेकिन ये फायदेमंद कितना है ना इसको इस तरह से देखें नेचुरल मिक्स करेंगे ताकि ये जो है अब मैंने बहुत थोड़ा सा बनाया ये जो थोड़ा सा है ये पूरा महीना चल जाएगा इतना सा भी खा आप पूरी बॉडी पे नहीं लगाएंगे फेस के लिए मतलब चिन पे लगाने की डबल चिन भी इसी से खत्म डबल चिन ऐसे जॉ लाइन बड़ी आपकी ना वाजे हो जाती है। अच्छा ठीक है इसको लगाने का तरीका ये इस तरह ऊपर मैं बताती हूँ इसको निकाल के हमने ये देखें ऐसा मिल्की सा हो गया ये। ठीक है और ये थोड़ा जमता है। ठीक है अच्छा इसको जब आप बनाएंगे अभी टाइम थोड़ा शॉर्ट है गरम गरम तो नहीं लगाएंगे? नहीं नहीं इसको मस्तगी थोड़ा सा हिलाते रहेंगे ताकि वो अलग से जमे नहीं सही दो चार दफा करेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा। ऐसे लग रहा है जैसे मोच पे लगाने वाली बाम होती है ना इसको लगाते हैं बीज वैक्स की मिसाल के तौर हम नाक पे लगाएंगे तो हम इसको प्रेस करते हुए लगाएंगे। अच्छा ठीक है अब हम मेकअप तो नहीं खराब कर सकते किसी की नाक रगड़ के ऑडियंस भी सारी प्यारे प्यारे मेकअप करके आई हुई है। और अगर हम चीक बोन पे लगाए तो हम यहाँ पे लगा के उसको मतलब इसको इस तरह से कंटूरिंग करते शेप लेके आते हैं। ठीक है ये मैं खाली हाथ से बता रही हूँ अब इसको हम करेंगे तो ये ऐसे प्रेस करेंगे लगा के। ठीक है ये ऐसे प्रेस जोर से करेंगे हाँ बिल्कुल इसको तकरीबन 2 से 4 मिनट का मसाज करेंगे ये यूं प्रेस करते हुए। ठीक है और इसको यहाँ पे करके पहले हमने लगा दिया ऐसे पूरा फिर इसको यूं करेंगे। अच्छा तो ये देखिए ऐसे आएगा। ठीक है ओके ये यूं इस तरह से। ठीक है और इसी तरह से आप इसको करेंगे ये आपकी जॉ लाइन बन जाएगी। नाक पे लगाएंगे इसको यहाँ पे ऐसे प्रेस करेंगे नाक तो नहीं निकलेगी नाक पतली नाक पतली नहीं हमारी। अच्छा बच्चों पे भी कर सकते हैं बिल्कुल छोटे बच्चों का बड़ा होता है बच्चों की मोटी नाक है। अच्छा बच्चों की तो वैसे ही हो जाती है उस पर इतना कीमती नुस्खा लगाने की जरूरत नहीं है मेहनत करने की जरूरत है। पहले क्यों नहीं बताया फरा पे लगे रहेंगे बस थोड़ी सी मोटी है अच्छी लगती है यही जब बात है ना ये पहले वाले नुस्खे पे भी अप्लाई होती है कि लड़कियां भी अगर थोड़ा सा सबर कर ले ना बाद में फिर खुद ही मोटापे कम करने के मसले पड़ रहे हैं। शुरू में एनहेंस करने की जरूरत पड़ रही होती है कि यार आप थोड़ा सा गेन। इन बच्चियों से खासकर मैं कहना चाहूंगी जब माएं शुरू में उनको रोकती हैं टोकती हैं बताती हैं तो बड़े नखरे करती हैं। मैं अपनी बेटियों को भी कहती हूँ मैं कहा कुछ सालों बाद तुम लोग यही चीज डिमांड कर रहे हो अम्मा पहले कर लेती अम्मा पहले कर लेती। मैंने कहा जब अम्मा कर रही है तो समझ में नहीं आ रहा और कुछ सालों बाद कहेंगे अल्लाह अम्मा पहले ये कर देती अम्मा ये कर देती आज ये अरोहा के क्वेश्चन की तरफ के कोहनिया या गर्दन या जिस काला हो कैसे उसको हम फौरी तौर पे रिकवर करें कि हम साड़ी पहने। बहुत ही आसान सी चीज बताऊंगी फरा के पास भी बहुत सारी चीजें मैं थोड़ा सा दूसरी साइड पे कर रही होती लेकिन एक बहुत ही आसान सी चीज है कि मुल्तानी मिट्टी ली आपने ठीक है और मुल्तानी मिट्टी को भिगोया हुआ है सो उसका एक जबरदस्त सा मजेदार सा पेस्ट। आजकल मौसम भी ऐसा है वो जरूरत है मुल्तानी मिट्टी वैसे ही आपको किसी नेमत से कम नहीं है। इसमें शहद डालेंगे ठीक है आपने डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाएंगे लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल टोटली डिफरेंट बताऊंगी कि वो जो कोहनियां काली हो रही हैं कोई भी पार्ट आपका ब्लैक हो रहा है
उसके लिए मुझे तो लग रहा है चेहरे पे लगाने के लिए भी बेहतरीन है ना। जो भी आपके पास अंडर आर्म्स वगैरह जो भी ब्लैक है उस पर लगा सकते हैं। लेमन जूस मारी कुछ इस तरह के यूज करके मैं बेसन लगाती थी एक टाइम पे। मेरी मम्मी कहती थी बेसन इतना ना लगाओ तो मेरी स्किन नहीं उतर जाएगी। ऐसे मैं हर दूसरे दिन लगाती थी बिकॉज वो ड्राई करता है ना। तो मेरी तो ऑयली स्किन थी नहीं, मेरी तो नॉर्मल थी ना, तो वो मैं बेसन बहुत यूज करती हूँ। उससे एक इंस्टेंट वो होता है, बेसन में आलू अगर आप मैश करके लगाए, मैंने वो बड़ा लगाया हुआ। टमाटर ये आलू मैश करके, आलू हाँ उबाल के, उबाल के नहीं कच्चा आलू जिस तरह ग्रेटेड करके ना काट के उसके उसको यूं रख के ऊपर लेट जाती थी, तो उससे बड़ा इंस्टेंट जो है ना ग्लो आता है। पोटैटो से इसलिए हमने डाला है बादाम का पाउडर। ठीक है, बादाम का पाउडर डल गया, बादाम तो बहुत अच्छे हैं। शहद डल गया और दानी मिट्टी डल गई, लेमन जूस और आखिरी चीज डालेंगे कोकोनट ऑयल। okay. यार कोई दुनिया की चीज रह नहीं गई जो रह गई है ना। हाँ। सारी चीजों के ये तो बहुत ही फेस पैक बड़ा मैं लगाने वाली हूँ। ये तो बहुत ही कमाल। एक्चुअली होता है कि मुल्तानी मिट्टी जब लगाते हैं लेमन तो स्किन ड्राई हो जाती है, तो स्किन रफ हो जाती है, तो उसमें हमने कोकोनट ऑयल डाल दिया है ताकि वो उसको मॉइस्चराइज़ बिल्कुल और बादाम जो है वो ब्लीचिंग इफेक्ट भी देगा और नरिश भी करेगा। ठीक है, तो आपकी स्किन की जो स्याही है वो भी दूर हो जाएगी और ड्राइनेस भी नहीं है। कितनी अच्छी ना, एक इतनी प्योर और इतनी हर्बल हेल्दी चीज है। हम क्रीम्स में इतनी महंगे महंगे पैसे, वाकई कितने वेस्ट है पता नहीं है कि क्या है। और पता है मारिया, आप इसको जैसे आपने बनाया उसको पैक किया और अपने मनाम से भेज दिया, तो आप इसको आराम से 1.5-2 हज़ार का बेच सकती हूँ ऑर्गेनिक कर। बिल्कुल सही। और यही चीजें वो बेच रहे होते हैं लोग, वाइटनिंग के नाम पर अपनी स्किन को खराब कर रहे होते हैं, डैमेज कर रहे होते हैं। यही चीजें नजर आ रही होती है, लेयर को काट दी जाती है, इतनी शेली जो मैं नहीं टूट के अप्लाई कर रही होती हूं। अच्छा, अभी देखिए अब अरुआ इतना मेकअप भी नहीं करती। और जैसे अरुआ ने अभी पहना स्लीवलेस, अगर जो खवातीन स्लीवलेस पहनना चाहें और शर्माती हैं तो इसको पूरे हाथ पे मसाज करें, ठीक है, उसके बाद वॉश कर लें और टोनर लगा लें, ठीक है, तो उनके हाथ बिल्कुल फर्म भी हो जाएंगे और स्किन बिल्कुल इवन हो जाएगी। अच्छा, यही जहाँ जहाँ आपको लगता है चेहरे के साथ गर्दन हाथों पे लाजमी बिल्कुल बाजू पे इसको मसाज करना, मसाज कर देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा। जाएंगे ब्रेक की तरफ क्योंकि आज हम आपको बता रहे हैं साड़ी को पहनने के मसले, जो शुरू में हमें जिनकी वजह से हम साड़ी पहनना नहीं पसंद करते। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको बताने वाले हैं वकार हुसैन हमारे साथ होंगे और वो हमें बताएंगे कि मेकअप कैसा होगा, फिर बाल कैसे होंगे अगर आपकी साड़ी पे आपकी डिफरेंट शेप्स और आपकी फेस शेप्स के अकॉर्डिंगली। सो ब्रेक के बाद रहिएगा साथ। रंग कई जगह से काला है, वजन ज्यादा है, तो हम कहते हैं साड़ी नहीं पहने, कुछ और पहन ले जिसमें हम जरा छुप छुपा जाए। लेकिन अगर आपने साड़ी पहननी है कॉन्फिडेंटली तो उसके लिए मेरा ही ने आपको बताया। अब फरा एक अच्छा सा सूप बता रही है। जी बिल्कुल, वजन कम करने आपका सूप है और इसका ताल्लुक ज्यादा है हमारा बेली फैट होता है, उसकी वजह से साड़ी में हम लोग डबल लगने लगते हैं, ज्यादा लगने। अगर पतली सी साड़ी में हम बिल्कुल शफून की भी पहने तो आपको लगता है मोटापा होती है, क्या होती है ज्यादा लगने लगता है। ब्लाउज छोटा हो ना आपका, आपका जरा सा भी बल्ज हो तो वहाँ से निकलने लगता है, बहुत बुरा लगता है। आजकल तो लोग मोबाइल पे तस्वीर को एनहांस करके देखते हैं ना, वो वहाँ सर्कल बना लेते हैं, इतनी सी पाउच जो है ना आपको अलग से लगा। हमने आज के शो के बाद ये मौका किसी को भी नहीं देना, आप कोई भी इस तरह से सर्कल नहीं बनाएगा। अरुहा ने बताया कि आपके आर्म्स का बताया तो मेरा इन्हें बहुत अच्छी लगाने की क्रीम बताई थी, ये सूप है। ठीक है, मैं दोनों बड़ी चटकारी हूँ, खिला पिला के आपको स्मार्ट बनूंगी और स्मार्ट रहे भाई आप। तो मैं आपको लोबिया का जो लाल वाला बीन्स होता है लोबिया, उसका मैं आपको बहुत मजेदार से सूप बनाना बताऊंगी। ठीक है, इसको मैंने पहले से बॉईल करने के लिए रख दिया था। एक कप मेरे पास लोबिया था और मैंने तकरीबन एक जग पानी में, आपको पता है लोबिया को टाइम लग जाता है थोड़ा बॉईल होने में, थोड़ा सा ये बॉईल हो गया तो उसके बाद मैंने एक अदद दरमियानी साइज का टमाटर इसके अंदर शामिल किया। ठीक है, और इसके पानी के साथ ही मैंने शामिल करना है, पानी को इसको हमने जलाना नहीं है। ठीक है, हरी मिर्चें हैं जायके के लिए 2 से 3, यानी आप लोबिया जो है वो हमें खिलाने लगी हैं। बिल्कुल, लोबिया उसका जो पानी होता है ना, वो लोबिया तो आप अलग से रख देंगी, लेकिन इसका जो पानी होगा वो आपने सूप के तौर पे लोबिया, वो लोबिया खाए लेकिन इसके पानी में जितनी अफादियत है, क्योंकि लोबिया का सारा जितना भी अरोमा था वो पानी के अंदर आ गया है। सूप जो है वो मजे लेके आप लोबिया भी खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, और लेकिन आप पानी ज्यादा पिए तो उसके ज्यादा फायदे हैं। ठीक है, और इसमें क्या डालने वाला है? हल्का सा नमक, हल्का सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप वजन कम कर रहे हैं तो नमक को छोड़ना भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं डालना आपने। ये नहीं कहिएगा कि नमक तो है ही नहीं, जैसे मैं कहती हूँ नमक तो है ही नहीं, तो इसमें थोड़ा सा नमक कम होता है, होता जरूर है लेकिन कम होता है। और इसके साथ ही मैं लेमन जूस डाल रही हूँ और उसके बाद से मजे ले लेके पी सकते हैं। बिल्कुल पी सकते हैं, इतना यमी। उसका थोड़ा सा लेमन जूस डाल, लोबिया से हमें प्रोटीन भी मिल गई अगर हम लोबिया साथ ले रहे हैं। Exactly. और अगेन उसके अंदर पानी में भी इतनी सारी, बिल्कुल प्रोटीन इसके पानी में भी हेल्दी।
अच्छा ये है मेरे पास यहाँ पर, इसमें दोबारा से व्हाइट तिल जरूर डालेंगे। आप कोई भी डाइट की चीज में जब नाश्ता भी बना रही होती हूँ डाइट के लिए, तो मैं इसमें व्हाइट तिल का इस्तेमाल जरूर करती हूँ। अच्छा, अच्छा। बहुत लाजमी है व्हाइट तिल का आप इस्तेमाल करें ताकि आपकी हड्डियों में से भी ज्यादा बिल्कुल कैल्शियम, वो एक ग्लास अगर आप दूध पी लें जितना कैल्शियम होता है वो 1 टेबल स्पून व्हाइट तिल में इतना ही होता है, बराबर होता है। तो आप ले सकते हैं, वजन कम करने के साथ साथ हड्डियों की तकलीफ बहुत ज्यादा होने लगती है, आप अपना वजन कम कर रहे होते हैं तो इससे क्या होगा, ये सिक्योर करेगा और आपकी जो हड्डियों का दर्द है वो कम हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा चुटकी भर डाल दिया और बस इसको थोड़ी देर पकाऊंगी। ठीक है, तैयार है, मेरा ही जब हम आपके घर आएंगे। चलिए, हमने बहुत सारी चीजें, अब तुम पूछो हमारे क्या मसले हमारे रह गए हैं, अभी मेरा क्या बताना है। अभी आपने अभी आप वेट की बात हो गई है और डबल चिन की बात हम कर रहे थे, ठीक है, कि डबल चिन के लिए स्ट्रेच मार्क्स के बारे में, स्ट्रेच मार्क्स, हाँ ये इशू है। ये आपने की मेरे दिल की बात, सारी शादीशुदा खवातीन बच्चों वाली जो अम्मा हैं, हाँ जी उनके दिल की बात, स्ट्रेच मार्क्स, और ये सिर्फ पेट पे नहीं, बच्चियों के, लड़कियों के, खवातीन के हाथ पे, बिल्कुल ये अपने नेक के पास बहुत होते हैं कि जो भी अगर खारिज कर लेती तो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। ये वेट जब एकदम कम करते हैं उससे भी पड़ जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, सफेद तिल का तेल लेंगे तकरीबन आधी प्याली, इसमें हम डालेंगे काला नमक, समुद्री नमक भी डाल सकते हैं, काला नमक ना डालें, जो समुद्री होता है जो नमक गुलाबी वाला वो भी डाल सकते हैं, और अजवाइन जो है वो आप डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। तेल कौन सा लिया? सफेद तिल का तेल, सफेद तिल का तेल। अच्छा, इसको उसमें काला नमक डाला और अजवाइन डाली। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम मिलाएंगे अपना कैस्टर ऑयल, ठीक है, 4 तेल। अच्छा, कैस्टर ऑयल की खास बात यह है कि अगर कैस्टर ऑयल हम लगाते हैं हमें लगता है बालों के लिए, सफेद तेल और कैस्टर ऑयल इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, एक तो स्किन को टाइट करता है, अच्छा, आपके बेली फैट के लिए होता है कि बेली फैट को खत्म करता है। अच्छा, कैस्टर ऑयल अगर सिर्फ खाली कैस्टर ऑयल भी गर्म करके लगा रहे तो बेली फैट खत्म हो जाता है, रेगुलर मसाज करना होता है। और स्ट्रेच मार्क्स जो है सफेद तेल, दुनिया के जितने भी ब्रांड्स हैं जो कि अपने स्ट्रेच मार्क्स की क्रीम्स दे रहे हैं उसमें आप सिर्फ एक दफा पढ़ लें, सफेद तिल का तेल हर किसी का मतलब बेसिक लाजमी होता है, उसके बाद तमाम चीजें डलती है, वाइटामिन ई डाल रहे हैं, वाइटामिन ए डाल रहे हैं, अच्छा, या वाइटामिन दूसरे डाल रहे हैं, लेकिन बेसिक बेस जो है उसकी बेसिक जो है वो है सफेद तिल का तेल। हमने जो है कोकोनट ऑयल, सॉरी कैस्टर ऑयल, सफेद तिल का तेल, अपना जो है अजवाइन और काला नमक, ठीक है, इसको आप लगाएं, लेकिन इसका मिनिमम भी 40 डेज और लगा टाइम दें, जैसे हम सवा महीना कहते हैं। हाँ। चिन है तो चिन पे लगाएं, नहीं ये स्ट्रेच मास्क, स्ट्रेच मास्क के लिए, इससे जो वेट कम कर रही है उनकी भी स्किन लूज जाती है, उनकी लगा सकते हैं, और बेली फैट के लिए और लूज स्किन के लिए, लेकिन बेली फैट लूज स्किन में भी जो बेली फैट होता है उसके लिए ये फॉर्मूला बहुत लगता है कि स्किन डेड हो गई है, बिल्कुल पेट जो है ना वो कम नहीं हो रहा है, टमी कम नहीं हो रही, सब कुछ कम हो गया, बस ये रह जाता है, तो उसके लिए जो हमेशा रह जाता है फिर हम छोड़ देते हैं, सब कुछ बढ़ जाता है दोबारा। आपने वैसे इस तरह की चीजों को लगा के ना कहती है थोड़ा सा ऊपर रैप अप कर लेना चाहिए, टाइट करके पसीना आता है वो स्किन टाइट। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने मुझसे कहा था डबल चिन के लिए, चारों हंस के रही मैं बांधने पे हंसी हूँ, मेरा पेट निकला हुआ था तो 2 साल पहले, तो मैं हर वक्त दुपट्टा बांध के फर्क पड़ा होगा उससे, बहुत फर्क पड़ा है उससे, कुछ लगा के ऐसे ही नहीं, कुछ नहीं वैसे ही बांध के और टहलती रही। अच्छा, आप जैपनीज खातून को देखो, जैपनीज का जो इकोनो या कुमोनो, क्या कुमोनो नाम, कुमोनो जो पहनती है उसके नीचे उनका प्रॉपर टाइट होता है, पहले उनकी बेली टाइट वो करती है, उसके बाद ऊपर से वो अपना रोल पहनती है, तो ये तो हर कल्चर में नहीं, बहुत अच्छा करती है। और लड़कियां कुछ भी नहीं है, जैसे बहुत सी बच्चियां खवातीन कहती है हमारे पास तो ये नहीं है या हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बहाना कुछ नहीं चलता है, घर में दुपट्टा तो होता ही, वो तो होता है, मलमल के दुपट्टा आजकल फोल्ड करके वो मिलते हैं आपको, ड्रेसेस मिलते हैं, आप फौरी तौर पे आपको एक शेप अप थोड़ा सा कर देते हैं, एक दफा आप ले लें, आपको फर्क पड़ जाता है। अच्छा, इसमें जो है अच्छा, साड़ी के नीचे शेपर पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? मेरा ख्याल नहीं पहनना चाहिए, नहीं पहनना, और मोटे लगते हैं। हाँ, क्योंकि हर चीज इधर आ जाती है ना, इसकी साड़ी की बेल्ट, फिर टाइट इसका पेटीकोट होता है कि आप खुद ही पतली हो, जैसे मैं पतली हूँ, ये मुल्तानी की पीस में डालनी है। हाँ बिल्कुल, हमने जो है ना कैस्टर ऑयल लिया है, ठीक है, ये डबल चिन के लिए या फ्लैपी आर्म्स जो होते हैं उनके लिए, लटकी हुई जो स्किन होती है उसके लिए, ठीक है, थोड़ा सा हमने लिया है अपना कैस्टर ऑयल,
ठीक है, इसमें डाला है हाफ टी स्पून मस्तगी, कराची के इलाके दस्तगीर वहां से तो नहीं ले रही है, मस्तगीर से करीब करीब ही रहती है। कैस्टर ऑयल में इस दफा मस्तगीर डाला, मस्तगीर डाला इसमें जो है हम डालेंगे ये है माजू, माजू माजू को डालेंगे तकरीबन 1 teaspoon, ये माजू का पेस्ट बना लिया, पाउडर बना के डालेंगे, साबुत का तो कोई फायदा ही नहीं है ना, ठीक है। अच्छा तीनों चीजें मिक्स हो गई, इसलिए मस्तगी चूल्हे में इसलिए रखा है कि मेल्ट हो जाए, ठीक है। मस्तगी का सिर्फ मेल्ट करना होता है, बाकी तो तमाम चीजें मिक्स कर, थोड़ा मेल्ट हो गया है, ठीक है, ये पेस्ट बन गया है और इसमें जो है ये, अच्छा ये आप ताजा बनाएंगे तो अच्छा है, इसको बना के रखने का रिजल्ट इतना अच्छा आएगा नहीं जितना आपको फ्रेश में आएगा। जब ये मेल्ट हो गया तो इसमें डाल देंगे मुल्तानी मिट्टी, ओके, मुल्तानी मिट्टी हमने ऐड की और उसके बाद इसको लेप कर लिया, लेप कर लिया और इसको जो है ना लगा लिया। तो फ्री में आज बड़ा टास्क है, जी मैं चलना होगा आप मेरे लिए, मैं सबसे कहती थी मैं कहा मैं चलूंगी कैसे, मैं आप चल रही हूँ, मैं घसीट रही हूँ, नहीं नहीं बहुत अच्छे से कैरी किया हुआ आपने, बाबा आप चाह रही है कि हम बार बार आपकी माजू का ये बहुत अच्छा बताया मुझे एक हमारे हकीम रजा इलाही होते हैं कराची में, उन्होंने मुझे बताया था टेलीविजन में बताया था, इन्होंने कहा था माजू लेके किसी पत्थर पे पानी डाल के इसको रगड़े, ठीक है, रगड़ने के बाद आपका एक्नी जितना भी पुराना हो जितना भी नया हो आपने हल्का सा लगा देना है, ये 2 दिन में गायब हो जाएगा, जी बिल्कुल वो बता चुके हैं, मैंने खुद इनसे पर्सनली पूछा, उन्होंने कहा फरा ऐसा होता है, निशानात भी तो रहे, निशानात भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगी लेकिन एक्नी बैठ जाएगा, माजू के बारे में बताया, जो लड़कियों का चेहरा भरा हुआ होता है, माजू के बारे में जो है एक्नी है वो ये माजू लेके रख ले और एक पत्थर भी लेकर रख ले, पानी डाल के रगड़े, मतलब रगड़ते हैं उसका जो निकलेगा ना हल्का सा वो लगा लेना है अपने एक्नी से, कितनी देसी तोड़। मैं एक चीज और बताऊं, बहुत सारे लोग इसे बालचर पे भी यूज करते हैं कि जहाँ पर आपको एलोपेशिया के पैचेस हो गए, इसी तरह पत्थर पे रगड़ के जो पेस्ट सा होता है, पहले वहाँ पे थोड़ा सा आप उसको रफ करके और फिर वो अप्लाई करती है पेस्ट, और उससे एकदम से ना वहाँ इरिटेशन होती है, 1-2 दिन पेन होती है 1-2 दिन और विद इन अ वीक वहाँ से बाल निकला, और ये मुझे पता चला था, हकीम नहीं है लेकिन एक ऐसे कुछ लोगों के पास ना कुछ ऐसे चीजें होती है, होती हैं कि वो अमेजिंग होती हैं, सो ये उनके पास बिल्कुल है। बिल्कुल और लोग जाते हैं दूर दूर से उनके पास एलोपेशिया का इलाज करवाते हैं, माजू एस्ट्रोजन पावर होती है, हर चीज को सुकड़ने की ताकत है, इरिटेट तो करता है लेकिन वो तमाम चीजें जिसको आपने सुकड़ना है या कम करना, जैसे खुश करना जिसे हम कहते हैं अपनी जबान में सुकड़ना, और जिससे कहेंगे उसके लिए फिर हम माजू और कीकर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी रतूबत जो है उसको खुश कर देता है, ठीक है। तो अच्छा ये पेस्ट बन गया, मैं करूंगा तुम्हारे हाथ पे लगा, उसका मरुआ भी हो रहा है, बाजू ज्यादा नजर आ रहे हैं ना, हम तो दुबले पतले हम तो दुबले पतले, अच्छा मेरे ये देखिए कलाइयां नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर ऐसे ही बता रहे, ऐसे ही बता रहे कि इसको थोड़ा सा गर्म है, ये इतना गरम नहीं लगा, ठीक है, ठीक है, इसको हल्का सा गरम लगाएंगे तो, और इसको इस तरह से लेप करेंगे, ठीक है, लेप करके जो है फौरन कपड़ा बांधेंगे मलमल का, अच्छा। शीट भी बांध सकते हैं लेकिन आप देखिएगा कितनी जल्दी आराम, अच्छा हीट अप होगा ना, हाँ बिल्कुल, अच्छी खुशबू सी लग रहा है, हीट आएगी मतलब जैसे आपके जो है ना पसीना वगैरह थोड़ा सा आएगा तो टाइट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, डबल चिन पे भी इसको लगा सकते हैं और इसको आर्म्स पे भी लगा सकते हैं, पेट पे भी लगा सकते हैं, पेट पे भी लगा सकते हैं, लव हैंडल्स पे भी लगा सकते हैं, हमने कहा था लव हैंडल्स के लिए भी मैं बताऊंगी, वो ये या कुछ और नहीं, ये वो तमाम जगह जिसको आपने टाइट करना है, टाइट करना है, मिलाना है, शेप मिलाना है, उस पे ये लगाएंगे। अच्छा सारी खूबसूरत खवातीन यहाँ पे आ जाए क्योंकि अब हम एक और अपने मेहमान को बुलाने वाले हैं और वो मेहमान हमारे जो हैं वो मेकअप की दुनिया के बड़े कारीगर बंदे हैं, वो जब आएंगे यहाँ पे तो बताएंगे कि कौन सी साड़ी के साथ हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए और मेकअप कैसा होना चाहिए, क्योंकि जो उमर अहिल ने उसके बताए, जो फरा ने बताया, मैंने और रोहा ने और मारिया ने खूब सारा सीखा है, मुझे यकीन है आपने भी इससे फायदा उठाया होगा, ये छुपा के खड़ी हुई थी, अच्छा लेकिन अब अपना जो एक ग्रेस है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो जैसा पहनावा है उसकी वैसे ही ड्रेसिंग हो तो वो ज्यादा चाहिए, ठीक है, नहीं शॉर्ट ब्लाउज पहने, नहीं शॉर्ट ब्लाउज ना भी पहने, मतलब अगर उन्होंने ब्लाउज पहनना है तो फिर साड़ी ब्लाउज बड़े ब्लाउज वाली बांध लेते हैं, ठीक है, जैसे गुजराती साड़ी होती है या बैक से पल्लू आता है वो करें बिल्कुल सही। सो मेकअप कैसा होगा, ब्लैक कलर की अगर साड़ी हो तो फिर मेकअप कैसा होगा? देखिए आज जो मेरे पास साड़ी इसमें ब्लैक में जो है तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जो मेकअप आर्टिस्ट खड़े होते हैं हम काम करने तो कोई भी कोई एक कलर पिक करते हैं और ब्लैक कलर तो ऐसा है कि ब्लैक में तो कोई और कलर है ही नहीं, तो हमारे पास इसमें सिल्वर और गोल्ड से काम हुआ है और ब्लैक है तो हम कोशिश करेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि इनसे ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इनके फीचर्स बहुत स्ट्रांग है, तो हम इनको जो प्रॉपर
ब्लैक स्मोकी मेकअप होता है वो, जेट ब्लैक वाला, ओके okay. और इन पे सूट करेगा? इन बहुत सूट करेगा, ठीक है. और जेट ब्लैक जो स्मोकी मेकअप हम करते हैं तो उसके साथ लिप कलर क्या होना चाहिए? हम बहुत न्यूड रखेंगे लिप कलर, समझे ना होने के बराबर, ठीक है. सो सबसे पहले हम प्राइमर अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम, मुझे ऐसा लगता है कि स्टाइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हर चीज के लिए. तो मैंने सोचा कि साड़ी के साथ हम इनको सिर्फ एक बड़े इयर रिंग्स देंगे और न्यूड लिप कलर रखेंगे और आईज को थोड़ा हम शार्प रखेंगे. बिल्कुल सही. सो हर साड़ी के साथ क्या ऐसा ही मेकअप होना चाहिए या फर्क डिपेंड करता है? नहीं, मेकअप का तो ये होता है, देखिए मेकअप के मैंने आपको बताया था कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं. मेकअप आपके दिल की चीज है, जैसा आपका दिल चाहे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है. पहले होता था एक कॉन्सेप्ट था कि अगर डार्क आईज है तो लाइट लिपस्टिक होगी या डार्क लिपस्टिक है तो लाइट आईज होगी. मुझे लगता है मेकअप में एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए, क्योंकि मेकअप कोई ऐसी परमानेंट चीज नहीं है जो आपके चेहरे पे रह जाएगी, ठीक है. तो उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए. बिल्कुल. हम इनके जो है मैंने प्राइमर लगाया है, उसके बाद हम इनके कंसीलर करेंगे इनके, ठीक है. अंडर आई एरियाज है उसके लिए आप देखेंगे चीक बोन बहुत हाई है, ठीक है. जितनी भी चीक बोन जिनकी हाई होती हैं और आंखें थोड़ी सी चिंकी होती हैं, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जो लोअर एरिया है आई का वो बहुत नीट और थोड़ा सा ब्राइटर होना चाहिए, ठीक है. इसकी वजह से ये होता है कि उसकी आंख खुली लगती है, लेकिन अगर आप उसी को ब्लेंड कर देंगे स्किन के साथ तो वो आंख और छोटी लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है. सो हमने आंख के नीचे कंसीलर अप्लाई किया, लेकिन बिल्कुल आंख की जो लोअर लेयर से छोड़ दी, स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव है. तो देखिए आप कुछ जगहों पे आपको रेड आपको निशान नजर आ रहे होंगे, जैसे तो वो हम, क्योंकि जब स्किन सेंसिटिव होती है तो इस तरह हो जाता है, तो हम उसको भी इसके साथ कवर कर देंगे, ठीक है. सो आपने आंख की अंडर आई लेड जो है उसको पूरे को कवर किया अच्छी तरह से और उस पे कंसीलर लगाया, और अगर कोई और एरियाज ऐसे हैं उसको भी आपने कवर उसी ब्रश के साथ. जैसे हम देखें फोरहेड हमें थोड़ा लग रहा है कि डार्क है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा फोरहेड पे भी कंसीलर ही अप्लाई कर देंगे. कंसीलर ही अप्लाई. अच्छा, सो कंसीलर जो है वो अगर आपकी टू टोन है, टू टोन स्किन है और आपको लग रहा है कि वहाँ पर आपको उस पर भी दो तरह के, देखिए बहुत लाइट अगर है तो आप इसी कंसील से कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास टिंटेड फाउंडेशन होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था ऑरेंज है, ग्रीन है, उससे हम कवरेज देते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इनकी स्किन को बहुत ज्यादा कवरेज की जरूरत है. बिल्कुल सही. सो जल्दी जल्दी हम करते जाएंगे कि सबसे पहले हमने प्राइमर अप्लाई किया और उसके बाद फिर हमने लगाया एक अच्छा सा कंसीलर, और कंसीलर जो है वो अगेन ये प्रोडक्ट जो की यूज की गई है, और उसके बाद हम क्या करने लगे? फाउंडेशन, ठीक है. सो हम डायरेक्टली जो है वो फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, फाउंडेशन अप्लाई और उस फाउंडेशन के साथ हम, वैसे मुझे लग रहा है कि जितना हमने इनको कंसील कर दिया है अब फाउंडेशन की बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको हम जो 2018 का जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीज जो मेकअप में आई है वो ये कि आप बेस जितनी कम से कम लगाएंगे, अपनी स्किन को बहुत प्यारा रखिए, अपनी स्किन की केयर के लिए चीजें जरूर आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि फाउंडेशन इतनी कम हो कि आपको आपकी स्किन इतनी अच्छी हो कि आपको फाउंडेशन की इतनी ज्यादा जरूरत ना पड़े. कम से कम मिनिमम टू मिनिमम, जितनी कम आप फाउंडेशन लगाएंगे उतना ही आपका मेकअप ज्यादा ग्लोई, ज्यादा फ्रेश रहेगा. आप एक चीज देखिए कि मैंने इनके आईब्रोज के जो हाईलाइट एरिया है सिर्फ वहाँ हल्का सा बेस को जो है मैंने ब्लेंड किया, लेकिन मैंने आईज पे बेस नहीं लगाई. उसकी वजह ये कि हमें जो है वो डार्क ब्लैक मेकअप करना है. अगर उसकी बेस पे हम कोई व्हाइट फाउंडेशन लगाते हैं तो वो वैसा ब्लैक कलर नहीं आता जो हमारे पास आना चाहिए. हाँ, तो अगर आपने जेट ब्लैक करना है तो फिर आप अपनी आँख के ऊपर फाउंडेशन नहीं लगाएंगे. बिल्कुल सही. सो हमने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया, ब्लेंड कर दिया, ठीक है. अब हम इनकी पाउडर लगाएंगे, ठीक है. और पाउडर जो है वो हम अच्छी तरह से पाउडर कोई खास इस्तेमाल करेंगे? पाउडर हम प्रेस पाउडर यूज कर रहे हैं, ठीक है. और उससे इनकी नेक को अच्छी तरह से हमने कवर किया, नेक, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लगता है कि इनकी नेक थोड़ी सी डार्कर है, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा हैवी पाउडर किया है, ठीक है. अदरवाइज हम फेस के ऊपर बहुत सॉफ्ट पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे, ठीक है. और पाउडर स्प्रिंकल करने के बाद फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, जहाँ पर हमने इनके फेस को कॉन्टोर करना है और ब्लश ऑन करना है. जो लोग हाई चीक बोन्स हैं जिनकी, जैसे इनका फेस है, तो इनको भी क्या हमें कॉन्टोर करने की जरूरत है? इसमें भी दो चीजें हैं. वो ये कि अगर हम ऐसा मेकअप कर रहे हैं जैसे एज एन मॉडल मेकअप कर रहे हैं या फॉर टीवी मेकअप कर रहे हैं, फॉर स्क्रीन मेकअप कर रहे हैं, तो हम इसमें देखते हैं कि अगर हमने सॉफ्टर लुक देना है, गो फॉर पिंक एंड बेज, तो हम बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नहीं करेंगे. लेकिन हमें थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक रखना है तो हम हैवी कंट्रोलिंग कर सकते हैं. मैं इस वक्त इनकी थोड़ी सी हैवी कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है. और ये कंट्रोल जो है इसका तरीका क्या क्या है? चीक्स बोन की बिल्कुल नीचे हम ये कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है. और इनकी क्योंकि स्क्वायर है फेस, तो हम इसको कंट्रोल भी स्क्वायर में ही करेंगे. जिसका मतलब क्या हुआ? देखिए आप इनकी जो
चीक बोन्स हैं वो ये आ रहे हैं, तो हमने यहाँ कंट्रोल कर दिया, जबकि इनकी जॉ लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्क्वायर है, तो हम इसको कंट्रोल भी इस तरीके से करें, स्क्वायर में करें, ठीक है, बिल्कुल सही। तो हमने चीक बोन्स, उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करने के लिए हम एक लाइटर ब्राउन कलर देंगे और उसको ब्लेंड कर देंगे ताकि जो हमारे फेस पे मेकअप की कोई लाइंस ना रहे। बिल्कुल सही, हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे और ये ब्लेंडिंग जो है ये बहुत जरूरी है इसमें। अब आपने हालांकि कोई शेड नहीं लिया, बहुत लाइट सा ब्राउन शेड लिया है मैंने इसमें, ठीक है। उसके बाद हम इनकी बहुत अच्छा सा शिमर लगाएंगे और वो शिमर जो है वो किसी भी शेड का हो सकता है। मैं इनके थोड़ा सा बेज में शिमर लेके जा रहा हूँ। ब्राउनजी का मतलब ये नहीं होता, अक्सर ऐसा होता है कि मैंने देखा है नॉर्मली। अगर आपने डार्क स्मोकी मेकअप करना है तो उसके लिए आपके पास जो चीजें होनी चाहिए उसमें एक डार्क ब्लैक कलर का लाइनर होना चाहिए, जो कि ये पाकिस्तान में वाहिद ये लाइनर है जो अवेलेबल होता है, बाहर ये लाइनर्स अवेलेबल नहीं है, ये पाकिस्तान में अवेलेबल पाकिस्तान में। सो ये लाइनर जो है ये जरूरी है अगर आपने घर में ये मेकअप करना है जो कि वकार इस वक्त स्क्रीन पे आपको बता रहे हैं। ये किसी भी मेकअप आप सिर्फ जरूरी नहीं साड़ी के साथ कैरी करें, किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं और उसके लिए आपको ये एक लाइनर जो है ये तकरीबन डेढ़ दो साल तक आराम से अगर किसी एक इंसान ने अकेले यूज करना है तो ये बहुत चलेगा, चार पाँच साल चलेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या आप इसको मार्केट में एक पाउडर भी मिलता है, हाफ भी मिलता है, ठीक है, तो ये बहुत इजी होता है लेना, सही। तो पूरा काले का काला, इतना काला जो है बाज़ औक़ात लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता और वो थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं कि अब देखिए हमने जब काला लगाया है तो काले को हमने सॉकेट लाइन से बहुत ज्यादा ऊपर लेके नहीं जा रहा, ठीक है। और इनकी आंख वैसे भी छोटी है तो काले के अंदर दबेगी नहीं, क्योंकि जिनकी आंख छोटी होती है वो उम्मीदन कहते हैं कि हम जरा हल्के कलर ही लगाएं, तुम्हारी आंख जरा खुली भी लगेगी। अगर हमें सॉफ्ट मेकअप करना है तो, ठीक है, अगर हमें थोड़ा सा ड्रामेटिक मेकअप की तरफ जाना है, रात का इवेंट पे आप जा रहे हैं, किसी शादी पे, किसी पार्टी पे, किसी बर्थडे पार्टी पे, तो फिर आप जैसे बर्थडे पार्टी पे इतना हैवी मेकअप चले? हाँ, क्यों नहीं चले? अच्छा, शादी पे भी चलेगा, जो दिल चाहे वो करना चाहिए, सही। इसके बाद हम एक ब्लैक कलर ही लेंगे, पहले हमने लाइनर लिया था, अब हम ब्लैक कलर लेंगे, हमने शेड लिया है और वो शेड इसको जो है हम ड्राई कर लेंगे थोड़ा सा और इसके एजेस को ब्लेंड कर देंगे ऊपर जो आपने एजेस बनाए, ठीक है। और एजेस को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद जिसको हम ब्लेंड करेंगे दोनों साइड पे, आप देखें एक बड़े मजे का स्मोक बन गया, ठीक है, इसीलिए इनको स्मोकी आईज कहते हैं। अरे ज्यादा जो स्मोकी आईज है उनके साथ डार्क बेस लगानी चाहिए या फेयर बेस जो है वो अच्छी लगती है? फेयर बेस भी लगा सकते हैं और डार्क में भी अगर आप जाएं तो आप डार्क में ब्राउन की तरफ ना जाएं, आप गोल्ड कर लें इस चीज को, बिल्कुल सही, किसी चीज को आप गोल्ड कर लेंगे तो अच्छा और डिफरेंट हो जाएगा, बिल्कुल सही। सो एक ब्लैक डार्क कलर का शेड जो है उनकी आंखों के ऊपर आ गया और लिप्स को बिल्कुल न्यूड और लाइट। अब हम उसको ब्रेक देने के लिए थोड़ा सा ब्राउन कलर से इसको सॉकेट को सॉफ्ट कर देंगे। अच्छा, अगर ये सारे कलर्स जो है कोई लेके रख ले तो हर दफा जब वो मेकअप करे स्मोकी तो वो यही सारी प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते, बिल्कुल सही। सो ये जो है ये इस तरह का एक डार्क ब्राउन सा शेड है, शिमरी है हल्का सा, जिसको के वकार यूज करें और इसको अब आंख के ऊपर वाली जो आखिरी जो लाइन है उसको हल्का हल्का छोटे छोटे उसके साथ हमने इसको ब्लेंड किया, बिल्कुल सही, और ब्लेंड करते हुए हम उसको फैला रहे हैं। ग्रेट, अब मजीद क्या होगा? अब हम उसी ब्लैक कलर जो हमने पहले ब्लैक कलर लिया था उसको लेके इसको थोड़ा सा फ्रेश करेंगे, सही। उसके बाद हम एक सॉफ्ट हाइलाइटर लेके, जो कोई भी कलर हो सकता है, जो कोई भी कलर हो सकता है, बीज सॉफ्ट कलर, उसका इससे ताल्लुक है कि इनके ड्रेस में सिल्वर काम है या गोल्डन काम? मुझे नहीं लगता कि सिल्वर अगर है तो आप गोल्डन, बहुत गोल्डन हाइलाइटर ना दें, आप बेज की तरफ आ जाएं। कुछ कलर ऐसे होते हैं जो सिल्वर गोल्ड के मिक्स होते हैं लेकिन वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ग्लिटरी नहीं होते, ठीक है। सो हमने इसी तरह से इनको बहुत गोल्डन नहीं दिया लेकिन एक बेज सा शेड जो कि जरा जिसे कह सकते हैं डल गोल्ड का इफेक्ट दिए हुए है, ठीक है, तो वो हमने इनकी हाईलाइट एरिया पे दिया, ठीक है। उसके बाद हम इनकी आंख में लगाएंगे काजल पेंसिल, ठीक है, और काजल पेंसिल ब्लैक कलर की होगी या ब्राउन कलर की? नहीं, हम ब्लैक में लगाएंगे। ओके, ये भी इसमें भी मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ जो ज्यादा आसान है कि आप इस लाइनर से ही ब्लेंड करें। कुछ लोग काजल पेंसिल को हैंडल नहीं कर पाते,
मेंटली भी बता देता हूँ चीज। और बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी नहीं खरीद सकते, अवेलेबल नहीं होती, तो वही ब्लैक कलर की लाइनर की लाइन आपने आंख के नीचे दी और अब उसके बाद, और बहुत लाइनर की लाइन देते वक्त ये सोचिएगा कि आपने इसको ब्लेंड ही करना है, ठीक है, तो बहुत पानी नहीं है आपके ब्रश, बहुत पतला लाइनर दें। अच्छा ये कैसे होता है वकार की, जब आप उठाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट जो होता है ब्लेंड वो निकलता है? बेसिकली मेकअप नाम इस चीज का है कि आप कितनी शेड सबके पास होते हैं, आप किस क्वांटिटी में पे करते हैं, ब्रश की कंडीशन क्या होती है जिस वक्त वो ब्लेंड हो रहा होगा। बिल्कुल सही। सो इसको बार बार आप जितना ट्राई करेंगे उतना ही आपका हाथ इस पे ज्यादा चलता जाएगा और आपको पता चलता जाएगा, क्योंकि अगर बहुत पानी होगा ब्रश में तो भी आप शेड सही नहीं उठाए। अच्छा आपने लगाया ना तो ये ज्यादा ब्लैक कलर लग रहा है, जब हम खुद लगाते हैं तो अक्सर ब्लैक कलर नहीं आ रहा होता, इसी के नीचे बेस लगी होती है। अच्छा उसका इफेक्ट बड़ा ही ब्लैक कलर निकल ही नहीं रहा होता, तो वो मैं आपको इसका एक और टिप भी बता दूंगा कि ब्लैक कलर को फ्रेश कैसे रखना है। हमने इसमें ब्लैक को अच्छे से ब्लेंड कर दिया, और ये ब्लेंड करने के लिए आपने कौन सा शेड लिया? ब्लैक, ब्लैक को ब्लैक से ही ब्लेंड किया, ठीक है। और ब्लेंड करने के बाद हमने एक वही ब्राउन कलर जो आई थिंक आपके पास थी, मुझे लग रहा है कि हमारी बहुत जबरदस्त सी फिल्म स्टार रेशम जो है ना वो अक्सर स्मोकी आईज रेशम के हम लोग इसी तरह का, ये रेशम का ही समझने मेकअप है क्योंकि वो इनकी आंखें जैसे ही बनी ना तो मुझे रेशम याद आ गई कि वो अक्सर ऐसा और उन पे बहुत जचता है, बहुत अच्छा लगता है। हमें बहुत अरसे रेशम का ही मेकअप, मैं तो रेशम से अक्सर कहता था रेशम में याद हो गया आपका मेकअप। तो ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म का मेकअप जो है जो अक्सर रेशम को आपने किए हुए देखा होगा वो इस वक्त हो रहा है स्मोकी आईज। इसके बाद हम इनकी आंखों में लगाएंगे काजल, ठीक है, और काजल देने के बाद हम उसको अच्छी तरह से मस्कारा कर देंगे, सही, और मस्कारा करने के बाद फिर हम लिपस्टिक का एक कोट देंगे बहुत सॉफ्ट सा, बिल्कुल सही। सो वी आर अप्लाइंग नाउ, हम लैश को फिक्स करेंगे, ठीक है। लैश उखड़ती क्यों है? अगर ग्लू ना सही लगा हुआ हो या किसी जगह पानी आ रहा हो, तो अगर हम किसी उस पे गए हों इवेंट पे और लैश उखड़ना शुरू हो जाए, लैश मेकअप जब तक आपने एंड कर दिया उस वक्त तक आपने जरूर देखना है कि लैश सही फिक्स है, फिक्स लेकिन बाजू का तो लंबा हो जाता है, आप गए हैं अब आप बिल्कुल लोगों नहीं देखेगा, आप अच्छी ग्लू लेते हैं तो उसमें नहीं होता है डन, मगर सपोज होना शुरू हो जाए, कोई ऐसी टिप है कि आपके पास ग्लू भी नहीं है आप ग्लू नहीं है तो फिर तो बहुत फिर तो उतार दे ज्यादा फिर उतार दे उतार के उंगली से सी लाइनर को ब्लेंड कर दे, बिल्कुल सही, अगर उखड़ी हुई लैश से बहुत बेहतर है कि आप उसे उतार के ब्लेंड कर दे, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब हम उनकी आईब्रोज कर रहे, आईब्रोज हाईलाइट कर रहे, डन, और आईब्रोज को हम अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। अच्छा क्योंकि हमने ब्लैक किया है आई मेकअप तो हम आईब्रोज को बहुत ब्लैक नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये तो आप ब्लेंड ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम उनके मस्कारा लगाएंगे, मस्कारा लगाएंगे, और मस्कारा लगा के हम एक अच्छा सा इनको लिपस्टिक का कोट देंगे। लिपस्टिक का कलर जो है डल का मतलब क्या है, क्या उसमें कोई भी शेड नहीं होगा, बिल्कुल न्यूड होगा या पिंक में जाएंगे? बिल्कुल हम न्यूड पे जाएंगे। अच्छा कुछ लोगों को नहीं लगता अच्छा अपने ऊपर न्यूड शेड जो है ना तो वो पिंक यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप कितना इन है आजकल न्यूड लिप्स जो है 2018 न्यूड लिप्स ज्यादा इन है क्योंकि न्यूड लिप्स से जरा एक आपकी नेचुरल लुक आ जाती है, अच्छी लुक आती है, सॉफ्टर से लुक आ जाती है। आपने बाकी जितना भी मेकअप किया अगर लिपस्टिक आपकी लाइट है तो लगता है जैसे आपने कम किया है जी, और भले बहुत कम मेकअप किया हो। बहुत सिंपल सा एक ग्लॉस जो पिंक में है, ठीक है, वो ग्लॉस देंगे, ठीक है, एंड दैट्स इट। नो अब हम थोड़ा सा एक रिवर्स काम करेंगे, अक्सर हम आउटलाइन बनाते हैं, आपने देखा है कि हम आउटलाइन बनाते हैं बहुत डार्कर कलर के साथ, सही, और फिर हम अंदर लिप कलर भरते हैं लाइट। अब हम लाइटर कलर से ही आउटलाइन बना रहे हैं, सो लाइट कलर का हमने कर दिया है आउटलाइन, और आउटलाइन देकर अब हम लिप्स को फिल कर रहे हैं लाइट से कलर में, ग्रेट, कर दिया एंड देन फिंगर्स इसको आपने ब्लेंड किया सॉफ्टली। तो आप देखिए कितने नेचुरल लिप्स लग रहे हैं, जैसे कि इन्होंने लिप्स के ऊपर कुछ नहीं लगाया बस सिर्फ एक ग्लॉस लगाया। सो ये अब हम इनके लगाएंगे ब्लश, ठीक है, अभी ब्लश रहता है, ब्लश रहता है इनके, ओके। अच्छा ब्लश हम इनके खाली चीक्स बोन के साइड पे लगाएंगे, ठीक है, और ये ब्लश लगाने के बाद शी इज रेडी रेडी टू गो। वाह कितना अच्छा सा एक बड़ा डिसेंट सा एक लुक जो है वो आ गया है मेकअप का। हम ज्वेलरी पहनाते हैं,
ज्वेलरी में सिलेक्शन कैसे होगा ज्वेलरी का? ज्वेलरी की सिलेक्शन कैसे होनी चाहिए? देखिए, अब मुझे लगता है कि इनके हमने बाल जो है वो बांधे हैं, तो हम ये दो इयररिंग्स इनको पहनाते हैं एंड दैट्स इट. सिर्फ दो बड़े इयररिंग्स जो हैं दे विल डू. उसके साथ ये तैयार हो जाएंगे. इसके साथ हम गले में कुछ नहीं देंगे. अच्छा, ये कैसे तय होता है कि गले में कुछ पहनना है या नहीं पहनना? अच्छा, ये बीच में ये हुआ था कि लड़कियां सिर्फ जो है वो इयररिंग्स पहननी थी, गले में नहीं पहनती थी. ये कोई हार्ड एंड फास्ट, इसमें भी हार्ड एंड फास्ट का रूल नहीं है. अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप चाह रहे हैं कि ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ के आपको पहनना चाहिए, जैसे अपने भाई की शादी है, किसी की शादी है, तो आप गले में भी हैवी पहने, ठीक है. लेकिन बहुत अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर जहाँ पे एक नॉर्मल डिनर पे जा रहे हैं, किसी शादी पे जा रहे हैं, तो आप इसमें नॉर्मली भी इसको कह सकते हैं. बिल्कुल सही जी. सो ये इयररिंग जो है ये तैयार. थैंक यू सो मच, आप अच्छी लग रही हैं. आइए और यहाँ पर हम एक और मेकअप करेंगे, लेकिन उससे पहले रेड कलर की लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए. नहीं, अभी हम रेड लगाएंगे. अच्छा, इस रेड कलर की साड़ी पे भी हम रेड लिपस्टिक लगाएंगे. अब देखिए, हमने इनकी आंख के नीचे मरून कलर लगाया है. ठीक है, ब्राउन या मरून? मरून. ओके, सो डार्क मरून कलर जो है वो शेड हमने अप्लाई किया. मरून क्यों हम अप्लाई करते हैं और किस आंख के नीचे करते हैं? हम आंख को अगर सॉफ्ट लुक देनी है अगर हमने, तो हम थोड़ा सा मरून कलर इसमें अप्लाई करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम इसी कलर को एक नॉर्मल जो हमारा ब्लेंडिंग ब्रश है उस ब्रश से हम सॉफ्टली ब्लेंड कर देंगे. अब देखें, एक वो जो हार्श लाइन की वाइट नीचे वो आपको खत्म होती नजर आएगी और ये फ्रेश लगेगी. बिल्कुल सही. अब हमने आंख की सिर्फ सॉकेट बनानी है बस. ठीक है, और सॉकेट बनाने के लिए बहुत सॉफ्टली आपने सॉकेट बनाई एक ब्राउन शेड के साथ, लाइट ब्राउन शेड के साथ हमने जो है वो सॉकेट बना ली. एंड देन हम इसके बाद इसी सॉकेट को हम जो हमने हाइलाइटर शिमर यूज किया था हम उसके साथ ही इसको ब्लेंड कर देंगे. ब्लेंड कर देंगे. अच्छा, ताकि कोई हार्श लाइन हमारे इसमें ना रहे. मुझे लग रहा है कि आप इस मेकअप में आईज न्यूड रखना चाह रहे हैं. बिल्कुल, और हम लिप्स एनहांस करना चाह रहे हैं. अच्छा, जो लोग रेड लिपस्टिक लगाते हैं अमूमन वो स्मोकी मेकअप भी करते हैं बड़े शौक से. स्मोकी भी, लेकिन आप रेड के साथ अगर करें तो आप ब्राउन स्मोकी पे जा सकते हैं. अच्छा, ब्लैक ब्लैक पे नहीं जाएं, ब्लैक पे ना जाएं, ब्राउन स्मोकी कर लें. ठीक है, और अगर ब्लैक भी करें रेड के ऊपर ग्रे स्मोकी भी बहुत अच्छा लगता है. अच्छा ठीक है, लेकिन और क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? एक ही हो गया जिसमें रेड आपने लिपस्टिक लगानी है. ग्रे स्मोकी करने में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप रेड लिपस्टिक लगा सकते हैं. ठीक है, ब्लैक के साथ रेड कैरी करना थोड़ा वैसे प्यारा लगता है अगर आप शूट करें, लेकिन आम लड़कियों को कैरी करना मुश्किल है. उसकी कोई टिप है कैरी करने की? कैसे? अच्छा, इफ यू विल फील गुड तो यू लुक गुड. जी, ये देखिए, हमने इनकी सिर्फ लैश लाइन के साथ हमने एक लाइनर दिया है, जिसका मतलब सिर्फ लैश की जो हल्का सा थ्रेड है उसको छुपाना है. थ्रेड को छुपाना है, उसके अलावा हमने कोई लाइन नहीं दी है जिससे पता चले कि इनकी आंख के ऊपर किसी किस्म का कोई लाइनर जो है वो अप्लाई हुआ है. ओके, सो अब क्या होगा? इसके बाद हम इनकी आंख पे लगाएंगे मस्कारा. ठीक है, सो हैवी कोट मस्कारे का? बहुत ज्यादा हैवी नहीं, हमने ऑलरेडी लैशेस लगा दी है. ठीक है, और लैशेस जब हम लगा लेते हैं आर्टिफिशियल तो उसके ऊपर हम मस्कारा ना करें, कोशिश करें. मैं तो ये करता हूँ कि मैं जो है वो रूट्स पे पहले लगा देता हूँ, और जैसे मैं आप देखिए अभी एंड में सिर्फ टिप्स पे लगा रहा हूँ ताकि वो मर्ज हो जाए थोड़ा सा. ठीक है, सो इससे आंखें जो है बहुत खूबसूरत लग रही है, रेड कलर का उनका ड्रेस है. सो अगर लिपस्टिक ना भी हो तो ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है. अब हम इनके एक डार्क मरून कलर से आउटलाइन बनाएंगे. तो रेड लिपस्टिक के लिए क्या डार्क मरून और डार्कर शेड से ही आउटलाइन बनाना? डार्क मरून से ही, बर्गंडी भी आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, क्या रेड कलर की लिपस्टिक जो खुद ही आप अप्लाई करें उसी की पहले आउटलाइन नहीं दे सकते? नहीं, तो फिर आप आउटलाइन देंगे तो डार्कर आउटलाइन कैसे होगी फिर इसके अंदर? ब्लेंडिंग जिनसे ना होती ना, हो जी. और वो पुराने जमाने की तरह एक लाइन ब्राउन से बाहर ना रह जाए ना जी, exactly. और अंदर लाल रंग आ जाए तो फिर वो ब्लेंडिंग कैसे होगी? ये देखिए, मैंने डार्क ब्राउन से डार्क मरून से किया है. अच्छा, लाल रंग की लिपस्टिक जब भी लगाए हमारे होंठ बहुत पतले क्यों लगते हैं? अगर आप पतले बनाएंगे तो पतले रहेंगे, अदरवाइज नहीं रहेंगे. अच्छा, आप थोड़ा सा अगर आपके पतले लिप्स हैं तो आप उसको थोड़ा सा एनहांस करके बनाइए. अच्छा देखिए, अब हमने इस जो मरून को किया था उसको हम शेड कर देंगे ताकि इसकी जो आपकी इतनी लाइन रहती है वो ना रह पाए. सही, उसी कलर को हमने लिप्स के अंदर ब्लेंड कर ब्लेंड कर दिया. ठीक है, रेड कलर हमेशा कोशिश कीजिए कि ड्राई लगाइए. जिसका मतलब क्या है? लिक्विड ना हो, लिपस्टिक ड्राई होने चाहिए, मैट होने चाहिए. अच्छा, ग्लॉसी रेड कलर ना ले. ना, ठीक है. देखिए, ड्राई में जो रेड का कलर आता है वो बहुत खूबसूरत. ठीक है, तो हमने एक ड्राई मैट रेड जो है वो लेकर
इसको हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और ब्लेंड करके हमें एक बड़ा जबरदस्त सा कलर जो है वो आ गया, बहुत जबरदस्त लग रहा है। और रेड कलर जो है उसको रेड कलर की लिपस्टिक के साथ साड़ी जो है वो और ज्यादा खिल रही है। इनके हम कानों में बंदे देंगे और टीका देंगे, माथे पे टीका भी देंगे जी। तो उसके लिए आपको टीका भी चाहिए है और इयररिंग्स भी चाहिए है। तो अगर माथा पट्टी टाइप की चीज हो तो वो भी चलेगी? हाँ वो भी चलेगी। क्या हम ये दे सकते हैं इसके साथ? इसमें जरा सा ग्रीन शेड है। अब आप देखिए ये ब्यूटी वर्ल्ड के ग्लिटर्स है, हमारे पास प्रेस ग्लिटर्स, ठीक है, ये हम लगा रहे हैं बहुत सॉफ्टली और बिल्कुल ऐसा लग रहा है अभी शादी में जाने ही वाली है। और हम सिर्फ लिप पे लगाएंगे ताकि आंख खुले तो हल्का सा ब्लेंड, ठीक है। और आगे इनकी माथा पट्टी, माथा पट्टी तो मैं भी आपके साथ कोशिश कर रही हूँ कि ये फिक्स हो जाए। अच्छा, अगर माथा पट्टी ना भी पहनने कोई तो भी जाहिर है वो तो अपनी चॉइस पे है हमेशा कि आप क्या पहनना चाह रहे हैं और आप किस तरह से ड्रेसअप। बड़े इयररिंग्स जो है वो क्या हर साड़ी के साथ अच्छे लगे? अच्छे रहते हैं इयररिंग्स बड़े, तो मुझे छोटे भी पहन सकते हैं। अगर आपने बहुत डेलिकेट लुक रखनी है तो आप टॉप्स भी पहन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, साड़ी पहनकर ना अमूमन जो लड़कियों को लगता है ये कि बहुत आंटी लगते हैं हम, बड़ी बड़ा कैरी करने पे ना, अगर आपने आंटी वाला मेकअप किया होगा तो फिर आंटी लगेंगे, ठीक है। तो जितना आप इसके साथ ज्वेलरी को लाइट रखें तो क्या उससे कुछ लाइट ज्वेलरी आप हैवी भी रख सकते हैं, बट लेकिन उसको आप कैरी अच्छे से करें, बिल्कुल सही। अच्छा, इनका जो ये इसको हम ऊपर लगाएंगे थोड़ा जरा, बिल्कुल ठीक, यहाँ लगाते हैं इसको, ठीक है। सो सहारा जो है वो हमने यहाँ पे लगा दिया ताकि इसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पर फिक्स कर दिया, डन। सो हमारा रेड कलर का जो मेकअप है वो भी बहुत जल्दी से तैयार हो गया और बिल्कुल ब्लैक। जिस मेकअप को आप सेमी ब्राइडल कह रहे हैं उसमें क्या होगा, क्या आईज एनहांस उसमें? उसमें कॉर्नर के साथ हम देंगे, थोड़ी सी बड़ी करेंगे। अच्छा ठीक है, आंखें तो पहले ही बहुत अच्छी हैं, बड़ी बड़े साइज की आंखें, लेकिन ये और भी बड़ी लगेंगी, और भी बड़ी हो जाएगी और भी एनहांस दिखेंगे, गुड, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या अप्लाई होगा? हम आईब्रो बना रहे हैं, ठीक है। और आईब्रोज के लिए हमने अगेन अपना शेड पिक किया है, सेम ब्राउन, डार्क ब्राउन, और जेल, जेल जेल शेड है जिसके साथ हम आईब्रोज को नीट कर रहे हैं। लेकिन अगर जेल शेड नहीं भी है पेंसिल से भी आप कर सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं आएगा उसमें, दोनों में कोई। पेंसिल से करने के बाद ही होता है कि आप पेंसिल से करने के बाद उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दें किसी शेड के साथ, लेकिन अगर आप जेल से कर रहे हैं तो फिर आपको ब्लेंड करने की जरूरत नहीं। सो अगर आपके पास पेंसिल है तो भी आप इसी तरह से सिर्फ आपने करना क्या है उसका आपको पता होना चाहिए, शेप कैसे बनानी है असल चीज, ठीक है। अब हम इनके जो है वो हाइलाइटर लगाएंगे, ठीक है। और इनका हाइलाइटर कौन सा होगा? हम इनको एक गोल्डन सिल्वर मिक्स हाइलाइटर देंगे। और ये हाइलाइटर हमने अंडर द आई दिया और उसको अच्छे से हमने फैला लिया आंख के ऊपर, ठीक है। और जब आप हाइलाइटर देते हैं वकार तो आप सिर्फ यहाँ तक नहीं उसे रखते, मैं ब्लेंड कर देता हूँ ताकि वो अगले कलर के अंदर ब्लेंड हो जाए, ठीक है। सो हाइलाइटर, और सबसे पहले आप हाइलाइटर देते हैं, वरना लोग सबसे आखिर में हाइलाइटर देते हैं। डिपेंड करता है, हर किसी का अपना अपना अंदाज होता है, अपने हिसाब से लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये ज्यादा कुछ लोग इस तरह कंफर्टेबल रहते हैं, कुछ इस तरह कंफर्टेबल रहते हैं, उसमें ना वो जितना मर्जी आप ब्लेंड करें वो लाइन नहीं जाती है। हाँ। इसमें ये है कि वो लाइन नहीं आती, लाइन आपको आएगी नहीं इसमें। हाँ, क्योंकि वो इतना ब्लेंड हो चुका होता है ऑलरेडी कि उसमें लाइन का कोई कॉन्सेप्ट रह ही नहीं जाता। सो हमने कॉर्नर देने के लिए डार्क शेड, डार्क बर्गंडी शेड दिया हमने, ठीक है। और उसको अब हम कॉर्नर पे दे रहे हैं। कॉर्नर हमने कहाँ से देना होता है? जहाँ से सॉकेट शुरू होगी, या आपने अगर इल्यूजन करना है थोड़ा सा बनाना है सॉकेट तो जहाँ से आप सॉकेट बनाना चाहें, ठीक है। ये हमने किया, उसके बाद हम इस कलर को सेसी को ब्लेंड कर देंगे, सही। और सॉकेट जो है वो हमेशा क्या बर्गंडी कलर से बनेगी? नो नो, ब्राउन से भी डिपेंड कि आप कौन सा कलर, ब्राउन है, ब्लैक है, बर्गंडी है, मरून है, ठीक है, शॉकिंग पिंक है, डीप ऑरेंज है, पर्पल है, आप सबसे बना सकते हैं, ठीक है। हर कलर से बन सकती है, जो डार्कर, जैसे अगर आप ब्लू मेकअप कर रहे हैं तो डार्कर ब्लू से बना के लाइटर ब्लू से ब्लेंड कर दें, ठीक है। So, इस तरह से ये एक हमेशा कलर कंट्रास्ट का मेकअप होता है जी। जो आपकी आंख के ऊपर, ये किसी खास फीचर्स के लोगों के ऊपर ये मेकअप सूट करता है? नो, ये आप हर किसी पे भी कर सकता है, आप उसको ब्लेंड करना आना चाहिए उनकी आंख के हिसाब से,
अच्छा बता रहा, बहुत जो छोटी जिनकी आंखें होती हैं उनको तो बहुत डिस्कस करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की आंखें ऐसी भी होती है बल्जिंग होती हैं, बड़ी आईज होती है उनका, वो हैंडल करना ज्यादा मुश्किल होता है अगर पॉपी आईज हो तो। कोशिश करें कि उस पर आप स्मोकी मेकअप भी कर सकते हैं, मोटा लाइनर, लाइनर को मोटा करके भी लगा सकते हैं क्योंकि इसका मार्जिन होता है काफी बड़ा। ठीक है, तो वो उस आंख के ऊपर ये वाला मेकअप कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मगर उसमें जो है वो जब आप बड़ी आंख होगी तो जिस तरह मैंने देखा अपने में ब्राउन से इसको सॉकेट को ब्लेंड किया था, वो सॉकेट थोड़ी सी आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना सफर का है। ये मेकअप बहुत कॉमन है, ज्यादातर लोग ये कराना पसंद करते हैं और बहुत ज्यादा किया जाता है, बहुत ज्यादा किया जाता है, लेकिन इतना ब्लेंड नहीं होता। अमूमन उसमें जो गलती आती है वो सिर्फ ब्लेंडिंग की आती है, कि मेकअप ये जरूर हो जाता है लेकिन छोटे छोटे टुकड़े बने होते हैं आंख के ऊपर, वो फिर अच्छा लगने के बजाय बुरा लग रहा होता है। मैं कहता हूँ जिनको मेकअप करने का शौक है, जो मेकअप करना चाहते हैं, वो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा किया करें। ठीक है, अरे मुझे ये टिक आपकी जो टिप है बहुत अच्छी लगी और ट्रिक भी बहुत अच्छी लगी कि पहले आंख की आपने कॉर्नर से एक लाइन ऊपर को करके उसको आपने बना लिया अपनी शेप, एंड देन आपने उसे अपनी बाकी की आंख के साथ मैनेज किया। उसके बाद हमने आंख के नीचे बहुत पतली सी लाइन ब्लैक की दी है। आपने आधी क्यों दी है आंख के नीचे? क्योंकि मुझे सिर्फ एक सॉफ्ट इमेज रखना है, आंख को आमल शेप में लेके आना है। ठीक है, उसके बाद हम फ्रंट पे जो हमने लाइटर कलर लिया था उसी का एक शेड देके इसको ब्लेंड करने, उसके बाद हम इस पे लगा देंगे मस्कारा। ठीक है, और आंख जो है वो बिल्कुल तैयार। और इनका मेकअप हालांकि बहुत ट्रेडिशनल, रिवायती और बहुत ज्यादा किया जाने वाला मेकअप है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आंख का मेकअप, क्योंकि जितना अच्छी तरह से ब्लेंड हुआ हुआ है और इसमें छोटी छोटी जो आपकी टिप्स है ना वकार, वो बहुत अच्छी है जिस तरह से आपने लाइनर अप्लाई किया है। इस पे भी आप चाहें तो ग्लिटर थोड़ा सा लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ग्लिटर के बगैर बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप कहें तो मैं ग्लिटर भी लगा, नहीं नहीं ग्लिटर के बगैर बहुत अच्छी लग रही है। अब हम इनके लिप कलर लगाएंगे, लिप कलर हम इनके प्लम भी लगा सकते हैं, डार्क मरून भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इनके प्लम लिपस्टिक ही लगा। ठीक है, और इनके होंठ भी बिल्कुल नॉर्मल है तो हम हल्के, हमने बहुत ज्यादा हैवी वाला प्लम हम नहीं उठा रहे। ठीक है, हम ऐसा प्लम उठा रहे जो बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं है और बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं है। सही, अच्छा हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए? इसमें हम खुले बाल रखेंगे। अच्छा, साड़ी के साथ या खुले बाल या टाई अप बाल, बोथ जो आपके स्टाइल को कैरी करते हैं। अगर तो आपने कोई झूमर लगाने खाली तो एक साइड पे बाल करने, डिपेंड कि आप ज्वेलरी कैसे पहन रही है। और ये कलर भी बहुत खिल रहा है, ड्रेस के कलर को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और उसके साथ उनके होंठ जो हैं वो भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और हमने इसको बहुत डार्क नहीं किया, वरना हम इसको आउटलाइन लगा के डार्क भी कर सकते थे। अब इसमें कुछ भी नहीं रह गया, अब इसकी ज्वेलरी आप सेलेक्ट करके लेकर आइए। अब हम इसे ब्लश लगाएंगे, आप ज्वेलरी सेलेक्ट कर रही हैं। तो इनके लिए भी मैंने ना बड़े से इयररिंग्स जो हैं वो सेलेक्ट किए हैं ताकि वो इयररिंग्स से पहना दें और वो इयररिंग्स के साथ जो हैं गुड। सो नाउ शी इज रेडी एंड शी लुक्स ब्यूटीफुल। जितने तीनों मेकअप हुए हैं अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे अच्छा मेकअप जो है मुझे ये लग रहा है। सबसे अच्छा मेकअप मुझे लग रहा है। सारे तक दे वो जो सी नच दे वो ते सारे तक दे मजबूत बनाने बातों बातों में समझाने किरणों किरणों पाओ धरती आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह।